बहाली के 6 फेज हॉस्पिटल में आज से इंटेंसिव केयर यूनिट की जो नई टेक्निकल या और भी चीजें जो है वो अपडेट की गई है। आज डॉक्टर बलबीर सिंह हेल्थ मिनिस्टर पंजाब यहां पर पहुंचे थे और जो 6 बेड के वेंटिलेटर समेत, क्योंकि आईसीयू एक ऐसी यूनिट है जो कि सीरियस पेशेंट्स होते हैं, काफी ज्यादा इंजरीज होती हैं, उनको साथ के साथ जो है वो करना होता है, उसको लेकर काफी चीजें जो आईसीयू की होती हैं उसमें किया जाता है। सीनियर डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर पूजा हमारे साथ हैं। डॉक्टर मैम, आज से जो आईसीयू की 6 बेड्स की वो की गई है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज जो है वो दी गई है उसके बारे में जानकर। इसमें हमारे पास जैसे 6 जो बेड्स हमने अलॉट किए वेंटिलेटरी बेड्स हैं, इसमें हमने प्राइमरली जो पेशेंट को हम वेंटिलेटरी सर्विसेज, जिनका रेस्पिरेटरी फेलियर होता है या कोई भी जैसे यंग इतनी डेथ्स होती हैं, बेचारे गरीब पेशेंट होते हैं, तो उनके लिए हमने पूरा वो रखा हुआ है। वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, मॉनिटर्स हैं हमारे पास, जो इन्फ्यूजन पंप्स हैं वो सारा मतलब पूरा हमारे पास आईसीयू में जो भी इक्विपमेंट होना चाहिए वो सारा अवेलेबल है। कौन कौन से जो एक्सीडेंट पेशेंट्स आते हैं, हेड इंजरीज वगैरह, उनको लेकर जो है वेंटिलेटर? हाँ बिल्कुल, जो हेड इंजरीज के पेशेंट आ जाते हैं या फिर कभी जैसे यंग पेशेंट स्नेक पॉइजनिंग के भी आ जाते हैं, और आई मीन कोई भी मेडिसिन की पॉइजनिंग आ जाती है हमारे पास, तो ये सब चीजें और मतलब हर तरीके की जिसमें रेस्पिरेटरी फेलियर होना स्वाभाविक ही है, तो उसमें हम लोग ऐसे मरीजों को केटर कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि जैसे यहाँ पर ना होने की सुविधाएं की वजह से पीजीआई भेजा जाता है और पीजीआई भी ऑलरेडी फुल होता था, तो अब इसमें और भी चीजें जो है लोगों की सुविधाओं के लिए क्या क्या जो है। बिल्कुल, जैसे जैसे हमारे पास अभी प्राइमरीली जो हमने भी स्टार्ट ही किया है, तो जो पैलिएटिव केयर के पेशेंट्स हैं, जो बेसिकली जो हमारे पास कई बार बैक रेफरेंस आ जाते हैं, जो पीजीआई उनको केटर नहीं कर सकते, जीएमसी पे केटर नहीं कर सकते, तो हम वो पेशेंट ले लेंगे केयर के लिए। ठीक है, और बाकी हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी बढ़ाया जाए, जैसे हमारे पास स्पेशलिस्ट सेवाएं और भी उपलब्ध हो जाएंगी कार्डियोलॉजी न्यूरोलॉजी की, हम इसको एस्केलेट करते रहेंगे धीरे धीरे टाइम टू टाइम। तो मैम, इसमें जो क्योंकि प्राइवेट में भी काफी ज्यादा खर्चा आता है, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी सुविधा। बिल्कुल, ये हमारा जैसे आईसीयू है मुफ्त ही है एक तरीके से, थोड़ा बहुत जैसे चार्जेस होते हैं मिनिमल से चार्जेस टेस्ट वगैरह के या जो मेडिसिन बाय चांस अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बट बाकी सब बेड वगैरह की सेवाएं मुफ्त है हमारे पास। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा और वेल एस्टेब्लिश हमने आईसीयू सेट किया जिसमें वेंटली और हर बेड के लिए डेडिकेटेड स्टाफ रखा है, जिसमें पेशेंट को पूरी जैसे एक तरीके से प्राइवेट में केयर भी ऐसे रहती है या फिर हाई क्वालिटी ऑफ केयर भी वी विल प्रोवाइड टू द वेंटिलेटरी पेशेंट। और कि अभी 6 बेड्स का ही शुरुआत है, तो आगे आने वाले दिनों में और अपडेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो हमने चलो हमारा थोड़ा सेटअप था, अभी हमारा धीरे धीरे बन रहा है, डेवलप हो रहा है, अभी हम सिर्फ 6 बेड्स का ही कर रहे हैं, धीरे धीरे विल बी टाइमली जैसे 3-4 मंथ्स बाद वील थिंक ऑफ एस्केलेटिंग इट, और बेड्स भी बढ़ सकते हैं, वेंटिलेटर्स जैसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट हो रही है, वेंटिलेटर्स और आएंगे तो हम ये सेवाएं एक्सटेंड कर देंगे। कह सकते हैं कि पीजीआई जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले होता था। हाँ मतलब थोड़ा सा ऐसे हम आप कह सकते हैं, तो अब से शुरू हो चुकी है एडमिट जैसे देख रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये पेशेंट्स हमारे पास ऑलरेडी पीजीआई से आए हुए, जिनका जैसे जो हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, ये दोनों आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पीजीआई से ही रेफर होके आए हमारे पास, तो हमने इनको यहाँ पे रखा हुआ है वेंटिलेटरी सर्विसेज देने के लिए। हाँ जी, तो बिल्कुल पीजीआई में जो ट्रीटमेंट होना था, जैसे हेड इंजरी की सर्जरी होनी थी, वो हमारे पास यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, तो वो सर्जरी वहाँ हो गई है, उसके बाद में आईसीयू केयर के लिए हम लोगों ने यहाँ पे इनको रखा हुआ है। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ जी जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पे नहीं है, वो पूरा गवर्नमेंट सेटअप है इसलिए। तो बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि क्या क्या जो लोगों को सुविधाएं हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि यहाँ पर फैसिलिटी ना होने की वजह से पीजीआई जो है वो शिफ्ट किया जाता था, लेकिन पीजीआई में भी काफी भीड़ होने की वजह से जो पेशेंट्स को नहीं मिल पाता था, वेंटिलेटर नहीं मिल पाता था, या फिर किसी तरह से काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब पंजाब सरकार या हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से काफी सुविधाएं जो है वो देने की शुरुआत की गई है। जो बेड्स हैं वो अब अवेलेबिलिटी आना, हालांकि आगे आने वाले दिनों में और भी चीजों में बढ़ावा किया जाएगा, लेकिन शुरुआत की गई है। जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि वेंटिलेटर्स के साथ साथ बेड्स की अवेलेबिलिटी और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी और जो सुविधाएं हैं लोगों को दी जा रही है, हालांकि सरकारी हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे प्राइवेट में काफी खर्चा आता है, लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, लेकिन अब सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में और भी जिलों में जो है उसको अपडेट किया जाएगा और वेंटिलेटर्स के साथ जो बेड्स की फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। मोहाली से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज 18 पंजाब। ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा बोलते हो आप।